Hello my dear students, welcome to Science Adhyayan. I hope you all are happy and good. So in this video we are going to do some more previous year sample questions of 2020-21 for class 8 students who are preparing for National Science Olympiad. So watch this video till the end. Now before starting this video, if you are new in our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you will get all notifications for further videos. Now start the video. तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में ये क्वेश्चन जो है ये छूट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देयर इज अ सेट ऑफ 3 फिगर्स एक्स वाई एंड जेड शोइंग अ सीक्वेंस इन विच अ पेपर इज फोल्डेड. फिगर जेड शोज द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज़ बीन कट. सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड. तो ये क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इससे पहले के वीडियो में हमने 9 क्वेश्चंस टोटल किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है एक पेपर दिया हुआ है। सबसे पहले ये एक्स एक पेपर है, इसकी फोल्डिंग की गई है इस तरह से. उसके बाद ये जो है वाई है, इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया गया है. उसके बाद जो जेड की फोल्डिंग की गई है, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ये फिगर यहाँ पर आपको दिखाई गई है, तो इसी फिगर से मैच करते हुए हमको यहाँ पर क्या है, जो है ऑप्शन हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये जो है यहाँ पर जो है ये मैच कर रहा है, ये जो ये वाली जो फिगर है इससे ये मैच कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. तो ये क्या है, ये कट एंड फोल्डिंग पेपर जो है उसके ये क्वेश्चंस होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं. Question number 10 is the oxide of sulfur which can be further oxidized when dissolved in water gives. Option number A H2S, option number B H2SO3, option number C H2SO4 and option number D is hydrogen H2. तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फर का जो ऑक्साइड होता है उसको जब आगे फर्दर उसको ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है, तो ये जब वाटर में जब इसको डिसॉल्व करने पर ये जब आगे ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है. तो यहाँ पर जो ऑक्साइड और सल्फर है, सबसे पहले जो सल्फर ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फार्मूला है इसका SO2. इसकी जब रिएक्शन की जाती है वाटर के साथ में तो क्या बनता है, तो ये रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है यहाँ पर, तो ये बोलते हैं इसको सल्फ्यूरस एसिड, जिसका कि फार्मूला है H2SO3. तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इनकरेक्ट मैच. ऑप्शन नंबर ए कोल गैस मिथेन प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी LPG प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोड्यूसर गैस कार्बन प्लस नाइट्रोजन एंड ऑप्शन नंबर डी इज CNG कंप्रेस्ड मिथेन. तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है इनकरेक्ट मैच जो है वो यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है. तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा है, ना कि करेक्ट मैच यहाँ पर पूछा गया है. तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, जो ये कोल गैस होती है ये मीथेन और हाइड्रोजन के ये मिक्सचर होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है. उसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है LPG, तो ये क्या है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जो कि मिक्सचर होती है आइसोप्रोपेन और आइसोब्यूटेन का. तो इस तरह से ये भी यहाँ पर जो है करेक्ट मैच हो जाएगा. इसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर गैस है वो बोली गई है किसका, मिक्सचर कार्बन और नाइट्रोजन का. लेकिन जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन का मिक्सचर नहीं होती है. यहाँ पर ये कार्बन जो है ये गलत है, इसके बदले यहाँ पर क्या हो सकता है, ये या तो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर हो सकता था, या फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता था. इसके साथ ही ये नाइट्रोजन जो है इसका, और यहाँ पर इसके साथ ही ये हाइड्रोजन का मिक्सचर यहाँ पर होती है. तो इस तरह से यहाँ पर जो इनकरेक्ट मैच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर यही यहाँ पर क्या है इनकरेक्ट मैच हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर गैस है वो सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन का मिक्सचर नहीं है, बल्कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर है. इसके बाद जो CNG है वो कंप्रेस्ड मिथेन ही होती है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी. Question number 13 is runoff pollution of a particular river resulted from overuse of chemical fertilizers by a nearby farm. Which of the following graphs correctly shows the resulting changes in levels of oxygen and bacteria in this river? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी फार्म में जो है केमिकल फर्टिलाइजर के ओवरयूज के कारण क्या हुआ है, वहाँ पर कोई एक पार्टिकुलर रिवर थी, उसमें क्या हो गया, रन ऑफ पॉल्यूशन जो है ये पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये रिवर के अंदर जो भी बैक्टीरिया और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, तो इस पॉल्यूशन के कारण जो चेंज इसके अंदर आएगा, तो उसे हमें यहाँ पर डायग्राम में शो करके बताना है कि वो जो चेंज है इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो रन ऑफ पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, तो ये रन ऑफ पॉल्यूशन क्या है, ये एक्सेस जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जब ये क्या करते हैं, ये रिवर में पहुँच जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो रिवर के जो वाटर होते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं उनके अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहाँ पर होती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो बैक्टीरिया का जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन जब ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो जब डेड करने लगते हैं ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण, तो क्या होता है कि इनको जो है डिकम्पोज करने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनका जो लेवल होता है वो इंक्रीज करने लगता है धीरे धीरे, और ये जो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसी लेवल को हमें यहाँ पर जो है किसी भी ग्राफ में हमको यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले ये ग्राफ ए जो है, आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये जो लाइन है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के लेवल को यहाँ पर शो करती है, जो डॉटेड लाइन है ये बैक्टीरिया के लेवल को शो करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाले जो डायग्राम में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में जो है वो बैक्टीरिया का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है ये क्या दिखा रही है कि स्टार्टिंग में जो है बैक्टीरिया जो है वो कम हो रही थी, लेकिन क्या हो रही थी, होती है धीरे धीरे ये क्या होता है, इनके जो अमाउंट है ये इंक्रीज़ करने लगता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 is Anuj performed an experiment to compare the strength of different fibers. He arranged the setup as shown in the figure. Arrange the threads in order of their increasing strength. Option number A nylon increase कर रहा है इससे ज़्यादा, silk, cotton. Option number B silk, cotton, nylon. Option number C cotton, nylon, silk and option number D is cotton, silk, nylon. तो इनको क्या है, increasing order में thread की strength की जो increasing order होती है उसमें इसमें बताना है। तो ये बहुत ही simple ही question है। तो यहाँ पर इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो कॉटन है उससे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो सिल्क की होती है, और सिल्क से ज़्यादा जो होती है वो नायलॉन की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 is Swati was studying growth of yeast under different conditions of environment. She plotted two graphs but forgot to level the x-axis of the graphs. Analyze the given graphs and select the correct option. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्वाति जो है वो yeast की growth को study कर रही है, और उसने क्या कर रखा है, उसने दो जो ग्राफ है उनको प्लॉट किया है, लेकिन वो जो यहाँ पे x-axis है उसको लेवल करना वो भूल गई है, और उसने y-axis को नेम दिया है नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स। तो हमें क्या बताना है कि जो x-axis पे यहाँ पे जो p और q ये दो जो यहाँ पर ग्राफ दे रखे हैं, तो इनके नेम यहाँ पर क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द एनवायरमेंटल फैक्टर स्टडीड इन ग्राफ पी कैन बी पीएच एंड इन ग्राफ क्यू कैन बी टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी इज द एनवायरमेंटल फैक्टर स्टडीड इन ग्राफ पी कैन बी टेम्परेचर एंड इन ग्राफ क्यू कैन बी शुगर कंसनट्रेशन इन मीडियम। ऑप्शन नंबर सी इज द एनवायरमेंटल फैक्टर स्टडीड इन ग्राफ पी कैन बी टेम्परेचर एंड इन ग्राफ क्यू कैन बी पीएच। ऑप्शन नंबर डी इज द एनवायरमेंटल फैक्टर स्टडीड इन द ग्राफ पी कैन बी शुगर कंसनट्रेशन एंड इन मीडियम एंड इन ग्राफ Q can be pH। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो है ये यीस्ट की यहाँ पर जो ग्रोथ दिखाई गई है। तो सबसे पहले जो यीस्ट की जो ग्रोथ होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर क्या होती है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो इंक्रीज करती है। इसीलिए क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ यीस्ट सेल भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ये ग्राफ में आप देख रहे हैं पी नंबर के ग्राफ में कि यहाँ पर जो है ये नंबर ऑफ यीस्ट सेल इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा। इसके साथ ही जब शुगर सॉल्यूशन का जो कंसनट्रेशन है उसको इंक्रीज किया जाता है तब भी जो है नंबर ऑफ यीस्ट सेल जो है इंक्रीज करते हैं, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर जो क्यू ग्राफ हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एक्स लेवल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स लेवल ये शुगर कंसनट्रेशन का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है शुगर कंसनट्रेशन के साथ में नंबर ऑफ यीस्ट सेल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है टोटल 15 क्वेश्चन जो है हमने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए हैं। तो आई होप आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा और हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना भी ना भूलें, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।